हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमरोही फैमिली व्लॉग्स। गाइस, आज हम बनाने वाले आलू और मटर के बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे। ये रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत इजी है, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। देखिए गाइस, मम्मा ने तैयारी कर ली है आलू मटर के पराठे बनाने के लिए। ये हमने लिए है आधी कटोरी उबली हुई मटर, और ये लिए है दो आलू उबले हुए, और ये दो हरी मिर्च ली है, और एक प्याज लिया, और ये धनिया लिया है। इसमें हमारे बहुत टेस्टी चार पराठे बनके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इन्हें चॉप कर लेते हैं। देखिए गाइस, मम्मा इन्हें मैश कर रही है मटर को और आलू को, और ये है लाल मिर्च पाउडर, और ये है नमक, और ये है हमारा धनिया पाउडर, और ये है गरम मसाला, और ये हमने चॉप करके पहले से रख दिया था, और ये मम्मा ने डो बना के रखा था आटे का। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ आटा है। ये देखिए, हमने मैश कर लिया है। ये देखिए, हम सबसे पहले लेंगे गरम मसाला। ये हम आधे चम्मच से भी कम ले रहे हैं, और हम अपनी ये लाल मिर्च भी आधे चम्मच से कम लेंगे हम। देखिए गाइस, अब हम ये धनिया पाउडर आधे चम्मच से भी कम ले रहे हैं, और ये ब्लैक पेपर भी हम आधे चम्मच से कम लेंगे। और नमक स्वाद अनुसार डालना है आपको। देखिए, अब मम्मा इसमें प्याज डाल रही है, और अब हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, और अब हम धनिया डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब मम्मा डो बना रही है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं सॉफ्ट करने के लिए। हमें लोई बनानी जैसे हम सिंपल रोटी में ही बनाते हैं। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। अब इसकी स्टफिंग फिल कर देंगे हम। अब हम इसे दोबारा से बेल लेंगे। थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और इसे दोबारा से हम अच्छे से बेल लेते हैं। गैस को तेज करते। ये देखिए, अब हम इसे गैस को तेज कर देंगे और इसे बेल लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से बेल लिया है, अब हम इसे गैस पर रखते हैं। ये देखिए गाइस, ये जो रिफाइंड ऑयल है ना, ये मम्मा ने अच्छे से आइडिया लगाया था। मम्मा ने नाइफ से कट किया था, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये डायरेक्ट इसे डाल लेते हैं। ये देखिए, मम्मा ने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला पहले, इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने कर दिया इतना। जब तक हम दूसरा बना लेते हैं अपनी पराठा। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड और ऐड करेंगे, फिर से पलट देंगे। गाइस, हम भी ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, और मम्मा ने बोला बहुत टेस्टी लगती है ये। मम्मा ने बोला कि मैंने की थी पहले ट्राई, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने सोचा चलो हमें भी टेस्ट कराओ। ये देखिए, हम फिर दोबारा से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे।
में से पलट दूंगी। पेज कैसे करनी है आपको, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे लो फ्लेम पर कर देंगे गैस को। देखिए हम इसे दोबारा से पलट देंगे। गाइस हमें इसे पलटता रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रहे। खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है इसकी। गाइज इसे और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। देखिए गाइज हमारा पराठा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी है। अब हम इसे दूसरे पराठे को तवे पे रख देते हैं और इसे भी बना देते हैं। ये देखिए गाइस मम्मा ने आलू के पराठे गर्मा गर्म बनाए हैं, तो ये देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चलो मैं आपको इसे खा के बता दूं कैसे हैं। गाइस तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, आज से तो मेरी ये फेवरेट हो गया है। जब भी मैं मेरे को भूख लगी मम्मा से यही बनवाऊंगी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। गाइस चलिए अब जल्दी से मैं भी टेस्टी टेस्ट करके देख लेती हूं। मैं थोड़े से ही खाऊंगी। वाह बहुत ज्यादा यम्मी है, बिल्कुल चटपटे हैं, बहुत टेस्टी है। हाँ ओके बाय गाइस, ऐसी और अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हाँ जी।